नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ, पहले मुख्य समाचार। ठंड कम नहीं, 1 से 5 वर्ग तक की कक्षा 10 जनवरी तक स्थगित, वर्ग 6 से ऊपर का संचालन भी दिन 10 बजे के बाद। ठंड को देख रविवार को भी जला अलाव, ठंड रहने तक अगले आदेश तक इसे जारी रखने का निर्देश। जमालपुर में भारी संख्या में शराब की बरामदगी, ट्रक भी जब्त, 3 गिरफ्तार, एसएसपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। आधुनिक तकनीक से पुलिस अनुसंधान में निष्पक्ष जांच संभव, वर्कशॉप में पुलिस को दी गई जानकारी। जल जीवन हरियाली की सफलता के लिए निगम ने भी कसा कमर, नेहरू स्टेडियम में नगर आयुक्त ने दिया प्रशिक्षण, कहा पूरी तरह सफल बनाए 19 तारीख को मानव श्रृंखला। और सीएनआरसी के विरोध में मानव श्रृंखला, धरना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पुतला दहन, तो समर्थन में घर घर जागरूकता अभियान जारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20 कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज स्पेशल क्लासेज ऑफ मॉडल एजुकेशन स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेज कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल खाजासराय लहरियासराय दरभंगा कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। ठंड का कहर जारी है, लगातार थोड़ी ठंड कमने के बाद पुनः हल्की बारिश और उसके बाद इसमें बढ़ोतरी हुई। जगह जगह अलाव अभी तक भी जलाया जा रहा है। दरभंगा नगर में भी, शहर में भी 1 दर्जन से अधिक जगहों पर अलाव जलाया गया रविवार की शाम। साल के आखिरी दिनों में भीषण ठंड थोड़ी कम तो हुई, लेकिन पहले सप्ताह में भी यह लंबी खींच रही है और जगह जगह लोग अलाव के साथ रहने को मजबूर। जिला पदाधिकारी ने आदेश दिया है कि ठंड रहने तक अगले आदेश तक अलाव जारी रहेगा। इसी क्रम में रविवार को भी दरभंगा नगर निगम ने JP चौक, दरभंगा टावर, हसन चौक, कादराबाद, अलल पट्टी, बेता चौक, भंडार चौक, दरभंगा स्टेशन, चट्टी चौक, लहरियासराय टावर, दोनार चौक, नीम चौक, लोहिया चौक, कोतवाली OP इत्यादि पर अलाव जलाया। अगले आदेश तक नगर आयुक्त के अनुसार ठंड रहेगी तो अलाव इसी तरह जारी रहेगा। मालूम रहे कि कई वार्डों में 1-1 क्विंटल लकड़ी भी दी गई है, हालांकि आधा दर्जन वार्ड पार्षदों ने 1 क्विंटल लकड़ी लेने से इनकार कर दिया था। बहरहाल नगर निगम अपने स्तर से लगभग 2 दर्जन स्थानों पर प्रतिदिन अलाव जला रहा है, जिसका सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। ठंड को देखते हुए जिला पदाधिकारी के निर्देश पर वर्ग 1 से 5 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय 10 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि वर्ग 6 से ऊपर का क्लास 10 बजे दिन के बाद प्रारंभ होगा। इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने रविवार को आदेश निर्गत कर सभी विद्यालय जो निजी है या सरकारी, उनके प्रबंधक प्रधानाध्यापक को सूचित कर दिया गया है। अब 11 जनवरी से ही वर्ग 1 से 5 तक के स्कूल खुले। ठंड का कहर जारी है और जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने वर्ग 1 से 5 तक की सभी सरकारी और निजी विद्यालयों
को 10 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। हालांकि 6 जनवरी से वर्ग 6 से ऊपर तक के वर्ग संचालन होंगे और 11 जनवरी के बाद वर्ग 1 से 5 तक की पढ़ाई होगी। हालांकि जो वर्ग संचालन होगा वह भी 10 बजे दिन से 3 बजे दिन तक ही होगा। यह आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने निर्देश में दिया है। एक ट्रक शराब के साथ 3 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए हरियाणा नंबर ट्रक को पुलिस को सैकड़ों कार्टून में हजारों बोतल विदेशी शराब बड़ा मिला। सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम खुद देर रात मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। आरोपी के घरों में भी तलाशी ली गई, जिसमें पुलिस को एक आरोपी के घर से 5 चक्र जिंदा कारतूस भी मिला। मामला जमालपुर थाना क्षेत्र का है। तू डाल डाल मैं पात पात। जी हां, पुलिस और शराब माफियाओं की लुका छिपी का खेल लगातार जारी है, लेकिन जनवरी के प्रथम सप्ताह में शराब माफियाओं पर पुलिस भारी पड़ी। जमालपुर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां भारी संख्या में पुलिस ने शराब की बरामदगी की, ट्रक को भी जब्त कर लिया। विदेशी शराब के साथ 3 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी बाबूराम खुद जांच कर रहे हैं। आरोपी के घर हुई छापेमारी में 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक शराब के साथ 3 शराबी को पकड़ा गया। जमालपुर इलाके की यह घटना शराब कारोबारी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शराब को खाद के बोरों के बीच छिपाकर ला रहे थे। ऐन समय पर पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और इनकी योजना असफल हो गई। रात में जमालपुर थाना ओपी ने छापेमारी कर हलदर गांव में एक पूरा ट्रक शराब बरामद किया है और 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इसी में जो कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अभियुक्त लोग हैं, उनके घरों की तलाशी ली जा रही है। एक घर से 5 गोली बरामद हुई है। इसके अलावा खाद का बहुत सारा बोरा और क्रय विक्रय का हिसाब किताब वगैरह बरामद हुआ है और भी कुछ कागजात जब्त हुए हैं। एक अभियुक्त के यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा लगता है अवैध रूप से केमिस्ट की दुकान चलाई जा रही है। तो इन सभी मामलों में जो संबंधित एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है और उनसे FIR दर्ज कराई जाएगी। शराब के साथ साथ इन सब अवैध गतिविधियों के लिए भी इन लोगों के विरुद्ध अलग से केस दर्ज किया जाएगा और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की आंख में धूल झोंक कर जमालपुर तक यह पहुंचा दी गई थी, यह ट्रक खाद के बोरे में, लेकिन गुप्त सूचना मिली और अंततः पुलिस को दी गई यह सूचना सही साबित हुई। हरियाणा नंबर की यह गाड़ी जिसमें भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई और 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस द्वारा विभिन्न कांडों का अनुसंधान किस प्रकार किया जाए, आधुनिक तकनीक अपनाई जाए, इस हेतु हरिराम साहू एक्साइज विभाग एवं डॉक्टर विजय कुमार प्रायोजित पॉक्सो के नेतृत्व में वर्कशॉप का आयोजन किया गया अम्बेडकर सभागार में। पुलिस को बताया गया कि किस तरह नई तकनीक आधुनिक तकनीक को अपनाकर अनुसंधान कार्य निष्पक्ष किया जा सकता है। आधुनिक युग में, हाईटेक युग में किस तरह से पुलिस अपने अनुसंधान को पूरा करे और तकनीक का सहारा ले, इसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। हरिराम साहू जो एक्साइज विभाग एवं डॉक्टर विजय कुमार ने इस संदर्भ में उपस्थित पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी दी। समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित इस वर्कशॉप में बताया गया कि किस तरह से पुलिस का काम सिर्फ गिरफ्तारी करना ही नहीं बल्कि कांड का अनुसंधान कर अभियुक्तों को सजा दिलाना है ताकि जनता का विश्वास पुलिस पर बनी रहे। ये बात आप लिखते हैं कि इसमें अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है, तो आखिरी आपने रुपया क्यों सिद्ध किया, आपने मोबाइल सिद्ध किया गया। पुलिस का काम अधिकतर जहां छापेमारी करना, लोगों को गिरफ्तार करना होता है, वहीं एक इंटरनल वर्क जो पुलिस का कहा जाता है कि निष्पक्ष अनुसंधान कर अभियुक्तों को सजा दिलवाना, और इसी के तहत ये वर्कशॉप का आयोजन। सरफराज आलम, BTN न्यूज। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति तथा दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा और इस संदर्भ में तैयारी जोरों पर है। रविवार के छुट्टी के दिन भी नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने अपनी पूरी नगर निगम टीम को उतारा इसके रिहर्सल में नेहरू स्टेडियम में और बताया कि किस तरह मानव श्रृंखला को सफल बनाना। मानव श्रृंखला जो जल जीवन हरियाली की सफलता को लेकर 19 जनवरी को
आयोजित है। उसके लिए जिला प्रशासन जहां काफी मशक्कत कर रहा है, दरभंगा नगर निगम भी अपने कर्मियों के साथ इस ठंड में भी नेहरू स्टेडियम में जुटा रविवार को। किस तरह कार्य करना है इस संदर्भ में निगम कर्मियों को बुलाकर नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने निर्देश दिया, बताया कि आप किस तरह इस सफलता में सहभागी हो सकते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि पर्यावरण बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और हमारे बच्चे और जो भावी पीढ़ी है उसको इसकी जानकारी इस पल के लिए अपर नगर आयुक्त नगर आयुक्त माताएं बहने एवं जीविका की दीदियां और यहाँ उन्होंने इसका रिहर्सल भी करवाया। मालूम रहे कि 26 दिसंबर को जिला पदाधिकारी ने नगर भवन में वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की। उसके बाद जिला पदाधिकारी लगातार समाहरणालय में अपने अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। रविवार के दिन निगम कर्मियों जीविका के साथ नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने रिहर्सल किया और बताया कि किस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़कर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाकर अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देना है और यह सिलसिला आप लगातार प्रयास करें, दूसरे को भी समझाएं। जल जीवन हरियाली की सफलता के लिए एक आह्वान स्वयं नगर आयुक्त घनश्याम मीना अपर नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों और निगम कर्मियों के साथ उन्होंने इसे बताया। महिलाओं को भी उन्होंने बताया कि कितनी दूरी पर किस तरह से मानव श्रृंखला बनाकर यह संदेश देना है पूरे विश्व को कि जल जीवन हरियाली हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। दुनिया गलत रास्ते पर भटकी है, तब तब बिहार ने उस दुनिया को सही रास्ता दिखाया है। आज दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर नहीं जा रही, तो बिहार के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की पहल के द्वारा एक यह संदेश दिया जाना है 19 जनवरी 2020 को कि सही रास्ता क्या है। तो सही रास्ता है जल जीवन हरियाली। हम जल को भी बचाना है, हरियाली को भी बचाना है, जिससे जीवन खुद ब खुद बच जाएगा। और जो आज के दिन क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्याओं का सामना सारे विश्व को करना पड़ रहा है, इसके सोल्यूशन के एक पार्ट में हम अपने जल जीवन हरियाली देखते हैं। आशा करता हूं कि 19 जनवरी 2020 को बहुत संख्या में लोग बाहर निकल के मानव श्रृंखला बनाएंगे और इस पहल को सफल करेंगे। महोदय हैं, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहल शुरू की है जल जीवन हरियाली, जिसके अंतर्गत हम लोग को सबको पर्यावरण बचाना है। उसी के क्रम में 19 जनवरी 2020 को 11:30 से 12 बजे के बीच में पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है। उसी क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे लोगों को जागरूक अभियान के तहत जिससे व्यापक प्रचार प्रसार हो सके मानव श्रृंखला के लिए, उसी क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और NULM की जितनी महिलाएँ हैं, उन्होंने आज यहाँ नेहरू जो स्टेडियम है उसमें भारी संख्या में पधार कर मानव श्रृंखला का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य यही है कि पूरे जो शहरी क्षेत्र है और पूरे दरभंगा में हम लोग का ये प्रचार प्रसार हो कि सब लोग 19 तारीख को भारी संख्या में मानव श्रृंखला में सम्मिलित हों और पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा मैसेज जाए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने कितना ज़रूरी है और हम सब लोग इसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ खड़े हैं। कितने आदमी हैं अभी? लगभग 1000 से ऊपर आदमी यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं आशा करता हूँ कि अब हम और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और भी हम लोग कई जगह मानव श्रृंखला का प्रसार करेंगे। अब अगले फेज में हम लोग यूनिवर्सिटी और दूसरे शहरी क्षेत्र को चयनित करेंगे। यंग इंडिया के बैनर तले इधर CA और NRC का विरोध जारी रहा। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध किया। कोतवाली चौक से मानव श्रृंखला शुरू हुआ तो लगातार मिर्जापुर, आयकर चौराहा और मौलागंज की तरफ चला गया। CAA और NRC का विरोध लगातार जारी है। नए वर्ष में भी 2 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई और चरणबद्ध विरोध जारी है। एक तरफ जहां मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी, उसी के जवाब में संविधान विरोधी बता NRC का विरोध जारी। इसके तहत यंग इंडिया के बैनर तले कोतवाली OP से मिर्जापुर मौलागंज तक मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को जवाब,
कि हम इसके विरोध में हैं, इसमें पोस्टर थामे, एक दूसरे का हाथ थामे। यंग इंडिया कमेटी ने विरोध प्रकट किया। सदस्य संदीप कुमार ने कहा कि जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा विरोध जारी रहेगा। संविधान पर हमला करना बंद करो, संविधान पर हमला दो जनवरी से ही लगातार चरणबद्ध आंदोलन, टुकड़े टुकड़े में विभिन्न पार्टियों का समर्थन इसमें, और आह्वान किया गया था कि 5 जनवरी को कोतवाली ओपी के पास मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध जारी रहेगा दिन के 11 बजे। हालांकि आधे घंटे के बाद शुरू हुई मानव श्रृंखला में लोग जुटते गए और लगातार मिर्जापुर आयकर चौराहा तक मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को एक तरह से लोकतांत्रिक अभियान के तहत यह विरोध संदेश। CAA, NRC और NPR के खिलाफ बिहार के नौजवानों के द्वारा, यंग इंडिया के द्वारा आज पूरे बिहार में हम मानव श्रृंखला बना रहे हैं। दरभंगा में भी हम नाका 5 से लेकर इनकम टैक्स चौक की तरफ ये मानव श्रृंखला लगाए हैं। CAA, NRC, NPR के विरोध में मुस्लिम बेदारी कारवां ने धरना दिया दरभंगा टावर पर। उसने पहले ही घोषणा कर रखी थी, मालूम रहे इससे पूर्व 2 जनवरी को भी धरना दिया गया था। मुस्लिम बेदारी कारवां ने अपने बैनर तले NRC का विरोध कर धरना की शुरुआत की दरभंगा टावर। टुकड़े टुकड़े में विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार विरोध जारी है CAA और NRC का। इसी के तहत दरभंगा टावर पर मुस्लिम बेदारी कारवां ने धरना देकर विरोध प्रकट किया, नारे लगाए और कहा कि यह कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेती है इसका विरोध जारी रहेगा। सभा से पहले महात्मा गांधी के प्रतिमा पर ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम, आईसा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज सहित दर्जनों लोगों ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम ने कहा कि देश अब जनता के हवाले नहीं, मोदी शाह के हवाले हो गया है, इससे निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है। सभा में एजाज अनवर, शाहिद अख्तर, लईक मंजर वाजिदी, सरद सिंह, मयंक कुमार यादव, राहुल राज, मोहम्मद ताली, मोतियुर रहमान, शाहिद खान, अजहर सुलेमान, हीरा निजामी, अशरफ सुबानी, बदरुल होदा खान, सबा परवीन, मोहम्मद राशिद अली खान, डब्बू खान, फैज आलम, सरफे आलम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सर वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। CAA, NRC और NPR के विरोध में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर सभी प्रखंड मुख्यालय समेत शहर के चौक चौराहों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। और लगातार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी CAA और NRC का विरोध। इसी के तहत रविवार को राष्ट्रीय जनता दल ने लहरियासराय टावर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रदेश का आह्वान था 5 जनवरी को हरेक जिला मुख्यालय पे हम लोग का नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का NRC और CAB के विरोध में प्रस्तावित कार्यक्रम है जो तमाम प्रखंड और महानगर में नीतीश कुमार और मोदी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा NRC और NCC के विरोध में। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल प्रधान में आह्वान हुआ कि बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर एवं नगर युवा और जिला युवाओं को निर्देश दिया गया कि जिले के प्रमुख जगहों पर आप काला कानून के खिलाफ में पुतला दहन करेंगे। बात NCR के NRC के समर्थन की, भाजपा ने नागरिक संशोधन कानून CAA और NRC के समर्थन में
जन जागरूकता अभियान शुरू किया। खड़ाजपुर से शुरू हुए इस जन जागरूकता अभियान में सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ खुद बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी घर घर जाकर लोगों को बता रहे थे, बता ही नहीं रहे थे, पंपलेट भी दे रहे थे कि नए कानून किस तरह फायदेमंद है हर भारतीय के लिए। एक तरफ सी एनआरसी का विरोध विभिन्न दलों द्वारा, विभिन्न संगठनों द्वारा, तो इसके समर्थन में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ उतर गया है। रविवार को जन जागरूकता अभियान के तहत खराजपुर से शुरू हुए इस अभियान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लोगों के बीच जाकर पंपलेट बांटा, उन्हें समझाया कि किस तरह सीए और एनआरसी जरूरी है, जबकि एक साजिश के तहत विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लोगों को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से पढ़कर सीए और एनआरसी के बारे में मोटे तौर पर समझ सकता है। बीजेपी आने वाले 10 दिनों में सभी घरों तक जाएगी और उन्हें समझाएगी कि यह किस तरह एक साजिश के तहत देश में विरोध किया जा रहा है, जबकि यह काफी जरूरी है। उन्होंने कहा, डर और भय खत्म करना है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हाथों में पंपलेट लेकर वे गलियारे से लेकर घर के दलान पर बैठे लोगों के बीच गए। राह चलते लोग, चार दीवारी के अंदर रहने वाली महिलाओं को भी उन्होंने पंपलेट देकर कानून के बारे में जानकारी दी। इससे पूर्व उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बताया कि आप इसे घर घर जाकर अपने लोगों के बीच समझाए कि किस तरह यह जरूरी है। कैसे कार्यक्रम चालू भेल है नागरिकता संशोधन आइए। हम लोग बता रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनको खदेड़ा गया, उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, वो इस देश में शरणार्थी के रूप में है, उनको कानून, उनको नागरिकता देने का कानून है, ये हम बता रहे हैं। हाँ, वो हैंडबिल में सारी सच्चाई है। नागरिकता संशोधन कानून जो इस देश में बना, सारे विपक्षियों ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मांग किया, पंपलेट जो दे रहे हैं वो क्या, वही पंपलेट में ही सारी सच्चाई लिखी है इस कानून की, कि इस पंपलेट में जो नागरिकता संशोधन कानून के बारे में सच्चाई लिखा हुआ है। और जो आज विरोध कर रहे हैं, उन लोगों ने जो समय समय पर मांग किया कि इन तीन देश से जो शरणार्थी आए हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको यहाँ नागरिकता मिलनी चाहिए, उनका जो पर्दाफाश कर रहे हैं, समय पर वो मांग उठा रहे थे और आज नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लागू कर दिया, तो आज विरोध कर रहे हैं। संगठन की मजबूती एवं विस्तार को लेकर ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई रविवार को लहरियासराय। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा की वार्षिक बैठक हुई रविवार को लहरियासराय में। सर्वसम्मति से भवन मिश्रा को जिलाध्यक्ष, संजय कुमार को महासचिव, लक्ष्मण कुमार को कोषाध्यक्ष, अभिषेक कुमार को मीडिया प्रभारी, फिरोज अहमद को कानूनी सलाहकार एवं विनय कुमार को कार्यालय प्रभारी के पद पर चयनित किया गया। साथ ही कुमार रोशन, प्रभास रंजन, मोहन चंद्रवंशी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। शशि कुमार सिंह, अभिनव सिंह एवं संतोष झा को जिला सचिव के पद पर चयनित किया गया। सहायक मीडिया प्रभारी के रूप में नीरज कुमार राय, नासिर हुसैन एवं राजकुमार राजू का चयन किया गया। इसके अलावा विजय कुमार ठाकुर को सदर अनुमंडल, सुबोध कुमार पाठक को बेनीपुर तथा संतोष मिश्रा को बिरौल अनुमंडल का अध्यक्ष बनाया गया। जिला सचिवों एवं जिला उपाध्यक्षों को अलग अलग अनुमंडलों का संयुक्त संगठन प्रभारी बनाया गया। इस क्रम में मोहन चंद्रवंशी एवं अभिनव सिंह को सदर, प्रभास रंजन एवं शशि सिंह को बेनीपुर तथा संतोष झा और कुमार रोशन को बिरौल अनुमंडल का प्रभारी बनाया गया। बैठक में निगरानी अनुशासन समिति में प्रहलाद कुमार, आफ्ताब जिलानी, विजय भारती, प्रकाश झा, कुमार रोशन, कौशल कर्ण, प्रवीण बबलू, गुंजन कुमार एवं राकेश कुमार नीरज आदि के नाम का प्रस्ताव किया गया, जिस पर सहमति बनी। बैठक में राघवेंद्र सिंह, रमेश कुमार, अजीत कुमार सिंह, आलोक कुमार, राजा कुमार दास, शंभू गुड्डू, अजय यादव, जियाउर रहमान, विजय राय, नीलंबर प्रसाद, सोमेश चंद्र लाल, प्रवीण कुमार, अवधेश कुमार, सुनील भारती, सदर आलम, निर्मल ठाकुर, विजय सिंह, शैलेंद्र कुमार, शेष नारायण झा, सुधीर पाठक, हेम राजा, मिथिलेश कुमार, प्रमोद पासवान, दिलीप कुमार, धीरेन्द्र मिश्रा, दिवाकर लाल, सैफुल इस्लाम, फरीद अहमद, फैजुल्ला अनवर, राहुल गुप्ता, सरफराज, सूरज एवं अमित इत्यादि मौजूद रहे। और संगठन के विस्तार के साथ साथ
कई नियम जो लोगों का सुझाव था उसके ऊपर चर्चा हुई है और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए और पत्रकार के हित में किस तरह से काम किया जाए यह बताया गया है। और मैं आशा रखता हूं सभी अपने माननीय सदस्यों से जो संगठन के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चले और संगठन एकदम 24 घंटे सभी सदस्य के साथ खड़ा है, कभी भी किसी तरह का किसी के साथ कोई दिक्कत होता है संगठन को सूचना दें, संगठन उसके साथ 24 घंटा खड़ा है। लेकिन सरफराज आलम, BTN न्यूज। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। Coming soon, Delhi Public School, class nursery to 10th, CBSE curriculum registration and admission open on 5th January 2020. Salient features, English medium school, value-based education, clean and healthy environment, creative teaching, smart classes, technology-enabled classrooms, hostel facilities available, martial art will start. Computer room available, transport available, session 2020-2021, Mirzapur near City Life Mall, Darbhanga, 7739108822, 8797285570. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। ठंड कम नहीं, 1 से 5 वर्ग तक की कक्षा 10 जनवरी तक स्थगित, वर्ग 6 से ऊपर का संचालन भी दिन 10 बजे के बाद। ठंड को देख रविवार को भी जला अलाव, ठंड रहने तक अगले आदेश तक इसे जारी रखने का निर्देश। जमालपुर में भारी संख्या में शराब की बरामदगी, ट्रक भी जब्त, 3 गिरफ्तार। SSP खुद कर रहे मॉनिटरिंग। आधुनिक तकनीक से पुलिस अनुसंधान में निष्पक्ष जांच संभव, वर्कशॉप में पुलिस को दी गई जानकारी। जल जीवन हरियाली की सफलता के लिए निगम ने भी कसा कमर, नेहरू स्टेडियम में नगर आयुक्त ने दिया प्रशिक्षण, कहा पूरी तरह सफल बनाए 19 तारीख को मानव श्रृंखला। और CNRC के विरोध में मानव श्रृंखला, धरना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पुतला दहन, तो समर्थन में घर घर जागरूकता अभियान जारी। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ आने खबर। और एक नजर दरभंगा जेल से एक खबर। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने दरभंगा कारा का निरीक्षण किया, जिसमें एक बंदी करण झा के पास से 1 मेमोरी कार्ड एवं एक अन्य वर्दी गौतम उर्फ जोंटी के पास से 10 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जेल अधीक्षक संदीप कुमार द्वारा बताया गया कि तर के जिला प्रशासन एवं कारा प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से जेल के सभी सेल एवं वार्डो की बारीकी से जांच की गई। जांच में 2 बंदियों के पास से यह सामान बरामद हुआ। इनके निर्देश पर उक्त अवधि में ड्यूटी पर तैनात दफा इंचार्ज शंभुदेव तथा 2 वार्ड इंचार्ज श्री राम एवं विजेंद्र से कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण पूछा गया है और उनके विरुद्ध अगर सही जवाब नहीं दी जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। औचक निरीक्षण में सदर SDO राकेश गुप्ता, SDPO अनोज कुमार, जेल अधीक्षक सहित जेल के अन्य गार्ड भी मौजूद रहे। प्रशासनिक दमन के खिलाफ 8 जनवरी को सभी फुटपाथी दुकानदार हड़ताल पर रहेंगे। नगर निगम में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जो बेताब है।
दरभंगा नगर निगम द्वारा 5 जनवरी से 9 जनवरी तक चरणबद्ध जो अतिक्रमण है, अस्थायी अतिक्रमण, उसे हटाने की घोषणा के बाद, प्रचार के बाद फुटपाती विक्रेता संघ एकजुट हुए रविवार को बेता में, और उन्होंने नगर निगम की दमनकारी इस नीति के विरोध में कमर कसा और बिगुल फूका। कहा कि अब यह नहीं चलेगा, फुटपाती दुकानदारों को उजाड़ना और अमीरों पर कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जाने के रास्ता में एकाएक नगर निगम मन उबाला, अपना आप मन माना जो होटलों का जो आवाज उठाया, अतिक्रमणों के पूरे शहर में जो प्रचार कर रहा, अगले बैठक में जो बातचीत हुई थी, बैंडिंग जोन अधिनियम जो पास किया गया, अपनी जगह पर 8 जगह जो अपने नगर निगम अपने जमीन पर जो बैंडिंग जोन अधिनियम पास किया, इसका पैसा आ चुका है, इसका बैंडिंग जोन अधिनियम पास कर गया, कानून बन गया, इसके बाद जो है सो अभी तक यहाँ दुकान बनाने के काम नहीं किया। और यह बैठक अभी जो बुलाई गई है, इस बैठक में मुख्य एजेंडा है कि नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार फुटपाथ दुकानदारों को तंग तबाह करने की साजिश चलती है। अभी नगर निगम के द्वारा प्रचार वाहन से अतिक्रमण हटाओ अभियान बड़ी जोर शोर से प्रचार चल रही है, जिस कारण फुटपाथ दुकानदारों में दहशत है, फुटपाथ दुकानदारों को डराया धमकाया जा रहा है, जबकि दरभंगा एक ऐसा शहर है जहां सबसे पहले बिहार में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया। लेने वालों की कमी नहीं तो जनमानस की सेवा करने वालों की भी कमी नहीं। जी हां, बालाजी परिवार की ओर से गरीब, गुरबों, लाचार एवं जरूरतमंदों के साथ आम नागरिकों को खाना खिलाया गया भरपेट, वह भी 5 रुपए में। एक अच्छी शुरुआत, 5 रुपए में प्लेट में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसा गया, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि, और इसकी सराहना हुई। यह पहला प्रयोग था। बालाजी परिवार के सदस्यों ने कहा कि हर रविवार को, पहले तो निर्णय था कि हर महीने के पहले रविवार को, लेकिन इसकी सफलता और आवश्यकता को देख हर रविवार को प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक 5 रुपए में भरपेट भोजन कराने का निर्णय लिया गया। जब मन में इच्छा हो तो क्या पूरा नहीं हो सकता? जी हाँ, और सहयोग सहायता करने वालों की भी कमी नहीं। बालाजी परिवार की ओर से मुक्ति धाम नाका नंबर 4 के सामने 5 रुपए में भरपेट भोजन की शुरुआत हुई। पहले तो यह घोषणा थी कि हर महीने के पहली रविवार को, लेकिन इससे उत्साहित लोगों की भीड़ देखकर आयोजकों ने निर्णय लिया कि अब हर रविवार को 11 बजे से 2 बजे तक बालाजी परिवार की ओर से 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाएगा, जहां लंबी कतार रही। पहले चरण में 200 लोगों को भोजन कराया गया बालाजी परिवार की ओर से। एक अच्छी शुरुआत, सराहनीय शुरुआत। इनकी सराहना के लिए कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने भी वहां जाकर इनका हौसला बढ़ाया और इनके कार्यों की तारीफ की। आप हर काम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे काम करने वालों की सराहना कीजिए। इसी का अनुकरण करते हुए कबीर सेवा संस्थान, जो लावारी सब का दाह संस्कार वर्षों से कर रही है, उसके सदस्यगण इन्हें साधुवाद देने पहुंचे, बधाई देने पहुंचे, और कहा कि एक अच्छी शुरुआत है, और उनका सम्मान किया माला पहनाकर कि 5 रुपए में भरपेट भोजन, और इसी तरह आप लगिए, हम लोगों की भी सहमति और सहयोग लगातार जारी रहेगा। सभी आयोजक मंडल के जो सदस्यगण थे उन्हें माला पहनाकर कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने सम्मान किया, बधाई दी, शुभकामना दिया इस काम में कि आप निरंतर काम करते रहिए। एक सामाजिक काम, दरभंगा में एक अच्छी शुरुआत की है बालाजी परिवार ने, कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने, इसके लिए इन्हें बधाई दी। आज हम लोग को अचानक पता चली, हम कबीर सेवा संस्था से बिलोंग्स करते हैं, बालाजी परिवार द्वारा 5 रुपये में भोजन का व्यवस्था आज से इस शक्ति धाम प्रांगण में स्टार्ट किया गया। प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम किया जाएगा। जो भी गरीब गुरबा लोग हैं, जो आकर भोजन कर सकते हैं, वो 5 रुपया में, वो दरभंगा का प्रथम ऐसा जगह है शक्ति धाम, जहां बालाजी परिवार द्वारा ये बहुत अच्छा शुभ काम को स्टार्ट किया गया। हम लोग एक धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए बालाजी परिवार को, हम पूरे कबीर सेवा संस्था के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर
हम उनको बधाई दिए हैं और ये दरभंगा का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मन में इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन जिंदगी एक है, समय कम है, हर काम आप अकेले नहीं कर सकते, लेकिन जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें सांत्वना, उन्हें प्रोत्साहन देकर आप उनका सम्मान कर उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। इसी के तहत कबीर सेवा संस्थान, जो वर्षों से लावारी सबका मिट्टी दाह संस्कार का काम करती है, उसने बालाजी परिवार के सदस्यों को फूलमाला देकर सम्मान किया, उनका उन्हें प्रोत्साहन दिया। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। पाकिस्तान में ननकाना गुरुद्वारे पर हमले और नाम बदलने के खिलाफ बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, साथ ही पाकिस्तान का झंडा जलाया और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान में गुरु ननकाना साहब के गुरुद्वारे पर हमला के विरोध में बजरंग दल ने कसी कमर और पाकिस्तान का झंडा जलाकर इमरान खान के विरुद्ध नारे लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 इमरान खान मुर्दाबाद, 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 इमरान खान मुर्दाबाद। आज हम लोग पाकिस्तान का झंडा जलाए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू ईसाइयों के जो मंदिर है गुरुद्वारा नान साहब गुरुद्वारा को पाकिस्तानी मुसलमानों के द्वारा उसे क्षति पहुंचाने का किया गया है, उसे तोड़ने का काम किया गया है और उसके यहाँ तक कि नाम बदलने का काम किया गया है। इसके विरोध में आज इमरान खान का मुर्दाबाद किए हैं और पाकिस्तान का झंडा को जलाए हैं। और CAA के समर्थन विरोध के बीच समर्थन की खबर, सांसद अशोक यादव ने जन जागरूकता अभियान के तहत CAA के समर्थन में धन्यवाद यात्रा निकालकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। उनके साथ हजारों लोग चल रहे थे, भारी पुलिस की व्यवस्था भी की गई थी। सांसद अशोक यादव लोगों को यह समझाने में कि CAA कितना जरूरी है और एक दुष्प्रचार कर इसका विरोध किया जा रहा है। कुटवाड़ा से गौसा घाट तक काफी भारी भीड़ रही। सांसद अशोक यादव और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वे इसके समर्थन में रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो इसके तहत। वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, BTN न्यूज। निकाला जा रहा है, इसमें सभी दल के लोग हैं जो इसके समर्थन में है, इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसमें सभी दल के लोग हैं। हम लोग जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यह बिल जो है किसी की नागरिकता लेने की नहीं है, यह नागरिकता देने की बात हो रही है। जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, जिन लोगों को धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया गया है और वो लोग वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, प्रताड़ित किया गया है, ऐसे लोग जो भारत में आके बरसों से रह रहे हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, वो नर्क जीवन व्यतीत कर रहे हैं, न उनको स्वास्थ्य की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, न राशन कार्ड की सुविधा है, न किसी नौकरी की सुविधा है। अगर वो अगर किसी को प्राइवेट में अगर नौकरी भी करवाया जाए तो उनका शोषण किया जाता है। ऐसे लोगों को नागरिकता देने की बात है, न कि किसी की नागरिकता लेने की बात है। रविवार का दिन CAA NRC का विरोध, दूसरी ओर समर्थन। एक तरफ लहरियासराय में नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा तो दूसरी तरफ खुटवाड़ा से गौसाघाट तक सांसद अशोक यादव के नेतृत्व में हजारों की भीड़ इसके समर्थन में। रॉयल हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया गया खान चौक में रविवार। रॉयल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ रविवार को, भारी संख्या में लोग यहां उपस्थित थे। इसका उद्घाटन फीता काट कर किया गया और लोगों ने कहा कि खान चौक के पास स्थानीय लोग और दूर दराज के लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे और एक पूर्ण सुसज्जित और आधुनिक उपकरणों से लैस इस हॉस्पिटल का उद्घाटन विधिवत शुरुआत रविवार से। हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर है जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसको इनॉग्रेट किया गया है डॉक्टर अहमद नसीम आरजू, डॉक्टर हिना आरजू और हमारे मदर एंड फादर ने मोहम्मद मुस्तकीम साहब और साहिदा सुल्ताना ने।
बच्चे हैं, ये तो मेरा बेटा है, मेरे भतीजा हैं, और मेरी दुआ है कि ये लोग खूब तरक्की करें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर में मधुमेह कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी थे। लगभग 130 मरीजों का ब्लड शुगर, किडनी, पैर के नसों की जांच, आंख की जांच तथा आहार संबंधी जानकारी। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर में मधुमेह कैंप का आयोजन और 130 मरीजों की जांच। संस्था के निदेशक डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि मधुमेह जागरूकता काफ़ी जरूरी है, आप इसमें सतर्कता रखकर जोखिम कम कर सकते हैं। यह भी बताया कि 19 जनवरी 2020 को भी कैंप रखा गया जिसमें सारी जांच की जाएगी। ग्लोबल हेल्थ केयर रहमगंज में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर विधायक संजय सरावगी भी पहुंचे। डॉक्टर नवीन जी ने मधुमेह से संबंधित बहुत अच्छा अस्पताल दरभंगा में खोला है, जिसे मेरे पब्लिक स्कूल के सामने, और बिहार का इकलौता अस्पताल यह है जो दरभंगा में खुला है। और सैनिक स्कूल की परीक्षा आयोजित हुई जिला स्कूल में रविवार। सैनिक स्कूल की परीक्षा का संचालन हुआ जिला प्रशासन के अंतर्गत, जिसमें 258 छात्रों में जिनका निबंधन था उसमें 244 छात्रों ने इसमें भाग लिया। 10 बजे से 12:30 बजे के बीच यह परीक्षा आयोजन हुआ। सैनिक स्कूल की परीक्षा है गोपालगंज के लिए, और आज यहां 258 बच्चे रजिस्टर्ड थे, 14 बच्चे एबसेंट हैं, 244 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। इसमें कंप्लीट करने के बाद इन लोगों का वर्ग 6 के लिए नामांकन होता है। तो ये अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। ठंड कम नहीं, 1 से 5 वर्ग तक की कक्षा 10 जनवरी तक स्थगित। वर्ग 6 से ऊपर का संचालन भी दिन 10 बजे के बाद। ठंड को देख रविवार को भी जला अलाव, ठंड रहने तक अगले आदेश तक इसे जारी रखने का निर्देश। जमालपुर में भारी संख्या में शराब की बरामदगी, ट्रक भी जब्त, 3 गिरफ्तार। एसएसपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। आधुनिक तकनीक से पुलिस अनुसंधान में निष्पक्ष जांच संभव, वर्कशॉप में पुलिस को दी गई जानकारी। जल जीवन हरियाली की सफलता के लिए निगम ने भी कसा कमर, नेहरू स्टेडियम में नगर आयुक्त ने दिया प्रशिक्षण, कहा पूरी तरह सफल बनाए 19 तारीख को मानव श्रृंखला। और सीएनआरसी के विरोध में मानव श्रृंखला, धरना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पुतला दहन, तो समर्थन में घर घर जागरूकता अभियान जारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।